हाँ, मेरे वो चार जहाज पूर्वाचल के लिए, सो मेरे लिए सब ग्रैंड हैं, भारत सरकार भी और टेररिस्ट भी। डू यू अंडरस्टैंड? फर्क सिर्फ इतना है कि भारत सरकार मुझे उत्तराचल से बहुत ज्यादा बिजनेस देती है, एंड फ्रॉम अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे भारत सरकार से अच्छे रिलेशन बना के रखने। हमने आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि आप एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करें कि मेरे चारों जहाजों का माल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए खरीदा गया। That's all. पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? सिस्टम साहब अच्छा है। ओह, really? I did, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट में मैं क्या करूं? Now, cut out that crap, Mr. Ghosh. अभी भी वक्त है। आप टेलीफोन उठाइए और अपने डिफेंस मिनिस्टर को समझाइए कि मेरे एक ही इशारे पे साउथ में सीरियल ब्लास्ट शुरू हो और ये सीरियल ब्लास्ट आपकी गवर्नमेंट की जड़ तक हिला देंगे। तो तबाही रोकनी है तो एक ही तरीका है, आप एक स्टेटमेंट रिलीज करिए कि मेरे चारों जहाजों का माल आपके इंडियन फोर्सेस के लिए खरीदा गया और इसके लिए आपके पास एक घंटे का समय है। अफजल खान साउथ में तैयार है और मेरे एक ही इशारे पे ब्लास्ट शुरू कर दिया। इज दैट क्लियर? मिस्टर साहब, मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर गौरसरिया, यू ओ मी अ लॉट ऑफ फेवर्स। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ भी संभव नहीं। माल तो आप लेंगे ही, अभी नहीं तो दो चार ब्लास्ट के बाद। आप इतनी नासमझ मत बनिए। हेल्प डू यू मीन? डोंट यू अंडरस्टैंड दिस इज कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ एंबैरेसमेंट? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? समझना आपको है मिस्टर गौरसरिया? यू आर इन डीप शिट मैन। मुझे गद्दारों से सख्त नफरत है। आई हेट ट्रेटर्स। और रही गवर्नमेंट की बात, they'll come a crawling to me. Do you understand? मिस्टर नवाज, आप इस वक्त यहां क्या बात है? रुस्तम मोया बहुत खतरनाक आदमी है सर। रुस्तम, अभी थोड़ी देर पहले आपकी मीटिंग जो हो रही थी उसके साथ उसे हमने टेप कर लिया। तो रूम वाज बग तक। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो टेप अभी प्रधानमंत्री जी के पास है, राजगुरु मैथ्यू अब्दुल्ला उसे भी वॉच किया जा रहा है। ठीक है, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। वो बात आप प्रधानमंत्री के साथ करना, लेकिन फिलहाल गो पर हॉलीडे। छुट्टी पर जाएंगे आप 15 दिनों के लिए, और इस बीच रुस्तम मोया के साथ जो तबाही का प्लान किया है उसे हम कंट्रोल करें। ठीक है, मैं अभी अभी प्रधानमंत्री से बात करता हूँ। मेरी बात मान लीजिए सर, छुट्टी पर चले जाए। और अगले 15 दिनों में उन आदर्शों के बारे में जरा सोचिएगा जिन्हें लेकर आप पॉलिटिक्स में आए थे। Hassle? Sort of. कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूं नवाज, अच्छी लड़की थी, मिसगाइडेड, इंटेंस, शी वॉज अ गुड गर्ल।
अफजल खान का नाम बताने वाली थी एंड कम ऑन बैकअप, इट्स ऑल इन द गेम, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स कह लो इसे, हम सेल्थी वालों के लिए खास तौर से, हम सरकारी होकर भी गैर सरकारी। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल सॉर्ट ऑफ, पर सीरियसली नाइट्स नहीं तो उसके आसपास तो हैं ही। तुम्हारे भेजे फोन नंबर और जितेश के कैसेट, इन दोनों के कारण अब साजिश का चेहरा साफ हो गया। इंटरनेशनल आर्म्स सप्लायर रुस्तम मोया और सेंट्रल एशिया में बैठा तोमर अली, जो अपने इन्फिल्ट्रेटर्स को नॉर्दर्न बॉर्डर से इंडिया भेजता है, इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है साउथ इंडिया के शहरों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट और पॉलिटिकल असैसिनेशंस करने का। नॉर्थ से मिलिटेंट्स का एक बहुत बड़ा दल तोमर ने साउथ भेज दिया है और वो सब जगह फैल गए हैं, और उन्हें आर्म सप्लाई करेगा रुस्तम मोया बे ऑफ बंगाल में खड़े अपने चार जहाज़ों से जो हथियार से लदे हुए हैं, बालाजी जैसे साउथ आइलैंड्स के आर्म्स हैंडलर्स के जरिए। या आई कैन ऑल्सो सी समवॉट क्लियरली नवाज, दिस डेविलिश प्लान ऑफ द इंटरनेशनल आर्म डीलर्स। साउथ में हंगामा हुआ तो नॉर्थ में आर्म फोर्सेस का प्रेशर कम हुआ, वो डाइवर्ट होंगी साउथ की तरफ, और नॉर्थ में जैसे ही आर्म फोर्सेस का प्रेशर कम हुआ तोमर अली अपने घुसपैठियों को दोबारा से नॉर्थ में भेजने में कामयाब होगा। और इन सबसे अब मोया को दोहरा फायदा, तोमर अली उसका माल खरीदेगा अपने लड़कों के लिए बोथ इन द साउथ एंड इन द नॉर्थ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदेगी उन्हीं मिलिटेंट से लड़ने अपनी फोर्सेस के लिए। यहाँ से 200 मील दूर इंटरनेशनल वाटर्स में उसके जहाज माल अनलोड करेंगे बालाजी के बोटों पर, और वही जहाज दो दिनों बाद आकर चेन्नई पोर्ट में अनलोड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। बाय द वे, तुम्हारा भेजा हुआ वो फोन नंबर गौसरिया के अनलिस्टेड फोन का था। वाज गौसरियाज नंबर, द सीनियर इंडियन मिनिस्टर, राजगुरु का चेला। ब्लडी हेल, उस फोन को टैप करके हमें गौसरिया की राजगुरु के साथ मीटिंग, मोया के साथ मीटिंग और बहुत सी बातों का पता चला। मोया गौसरिया के जरिए ही आम सप्लाई गवर्नमेंट से निगोशिएट कर रहा है, और सारे प्लान को साउथ में एग्जीक्यूट कर रहा है अफजल खान। नाउ हु द हेल इज ही अफजल खान, कहाँ है, किस भेस में है? एग्जैक्टली हमें उसका पर्दाफाश करना ही होगा, और बहुत जल्दी। कहीं साउथ में सारा हंगामा खड़ा हो गया तो फिर उसका नतीजा क्या होगा तुम जानते ही हो। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर अमन जो इतनी मुश्किल से कायम हुआ है वह सब खत्म हो जाएगा। दिस आर्म्स बिजनेस, दिस ब्लडी आर्म्स बिजनेस नवाज, इन लोगों किसी की जान की, किसी की हंसी की, खुशी की, किसी चीज़ की इनको परवाह नहीं है। तस्वीर साफ होते ही वी हैव टेकन मेजर्स फॉर डैमेज कंट्रोल। मिस्टर गौसरिया छुट्टी पर चले गए। चले गए, भेज दिए गए, एक ही बात। हेलो, हाँ बोलो, अरेस्ट हो गया फॉरेन एक्सचेंज के केस में? कोई हंगामा तो नहीं हुआ? 7 मिनिस्टर, 3 चीफ मिनिस्टर और 5 सेक्रेटरीज, इनके फोन आए? अरे अभी तो इंटरनेशनल फोन्स भी आएंगे, वो मिसेस बाला को कहो ठीक से तिहार में रख देंगी स्पेशल सेल में। हाँ ठीक है, खबर देते रहना, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ। कौन? राजगुरु अरेस्टेड। राजगुरु अरेस्टेड? हाँ। वो कितने दिन रख पाएंगे आप उसको जेल में? साले के लंबे हाथ हैं, वो माथे पर लंबा सा टीका लगा के मोटी रुद्राक्ष की माला पहन के जांग खुल जाता है, वो पीओ हाउस तक में घुस जाता है वो। अरे भाई कुछ दिन तो रख लेंगे जब तक ये साउथ का वाला मामला सॉल्व कर ले। वो दो चार आदमियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा नवाज, यहाँ चेन्नई में रोकेंगे तो हैदराबाद, मदुरई, कोचीन, सारे साउथ में फैले हुए हैं ये मिलिटेंट्स। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्ट्राइक एट द सोर्स
एट अफजल खान, तभी हम सबको एक साथ रोक सकेंगे। पर तुम बता रहे थे कि अफजल खान केवल एक नाम है, कोई आदमी नहीं। हाँ सर, वो दूसरा आदमी है। पहले हमें लगता था कि मंसूर खान अफजल खान है, लेकिन मंसूर खान मार दिया गया। सो ऐसा नहीं था। गीता चोपड़ा नाम बताने वाली थी, उसको गोली मार दी गई। अब गीता चोपड़ा, मंसूर खान, फ्रांसिस, जितेश, ऑल गॉट किल्ड वन बाय वन। जानते हो पुरी, मुझे लगता है कि वो हमारे इर्द गिर्द कहीं घूम रहा है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे। वो हमारे बारे में सब जानता है और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो हमें देख रहा है और हमारे हर कदम को आगे बढ़ते ही रोक देता है। But how can you stop this rot, Nawaz, when सरकार के अपने लोग, people like Gosaria इसमें involved हैं, आप क्या कर सकते हो? आपको गुस्सा आता है, you feel like bloody important. Don't be despondent. सेल 3 ऐसे ही सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए बना है भाई। रुस्तम मोया को गिरफ्तार नहीं कर सकते हम? ऑन व्हाट बेसिस? जब 3 हफ्तों में पिछली बार वो दिल्ली आया था 2 बार, तब मैंने भी यही सोचा था, पर सबूत कहाँ है? सारे ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स सब उसके पेट पॉकेट में, और फिर उसको छूते ही यूरोप और अमेरिका के सारे आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने सरकारों को हमारे पीछे लगा देंगे। नाउ इज टू बिग ए फिश टू कैच। मुझे लगता है उसका कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है, एंड ही इज अफजल खान। फिर हम उसी जगह पहुँच गए। बट हु द डिकन्स इज दिस पर्सन? कोई इंडियन है या फॉरेनर? मोया का आदमी है या तोमर अली का? कैसे वह यहाँ बीच में बैठा बैठा आर्म्स के शिप्स और मिलिटेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा है? बालाजी के थ्रू RDX सारी जगह भिजवा रहा है। RDX फॉरनर, RDX, ओ हेल, ओ हेल, क्या बात है? एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? नवाज, मैंने तुम्हें बताया था ना, फ़ोन नंबर के नीचे ये पेपर मिला था, RD लिखा हुआ, ये फटा हुआ था। मुझे लगा इसके बाद RD के बाद X है, RDX, बट X नहीं है, RD। RD मतलब रिचर्ड डॉनर। ये हमारे आसपास एज ए टूरिस्ट तब से घूम रहा है। ही इज ब्लडी अफजल खान। हमें अपना आदमी मिल गया नवाज, हमें अपना आदमी मिल गया। हाँ, रिचर्ड डोनर, रूम नंबर क्या है? आपको देख कर ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। जस्ट मिनट, पेज नंबर 32। बिल्कुल आपकी तरह दिखने वाला एक आदमी मेरी तरह दिखने वाले होटल मैनेजर से आकर यही बात पूछता है कि गेस्ट कहाँ है। यस, और पेज नंबर 132 के लास्ट पैराग्राफ में पता चलता है कि वो स्पाई है। एक मिनट, रिचर्ड डोनर का रूम नंबर क्या है? रिचर्ड डोनर चेकआउट कर गए हैं, वो अभी पांडिचेरी में है, मेरी पिट होटल में। कौन सी होटल में? होटल मेरी पिट। मैं आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर देता हूँ। नारायण, नारायण, जस्ट ये अपने पास रखो, आप इनको मत देना। अरे कहाँ मर गया तू? क्या हुआ? इंजन प्रॉब्लम। पुराना तरीका है, पहले गाड़ी खराब करना, फिर ठिकाने लगाना, बोनट बंद करना। मैं तो वापस आ गया।
मेरी भी टोटल इस किताब में है, पांडिचेरी में नहीं है। तो रिचर्ड डोनर का रूम नंबर क्या है? वो अपने रूम में नहीं है। रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 134। चाबी दो। वन बॉटल ऑफ शैंपेन, टू ग्लासेस एंड डिनर फॉर वन पर्सन। कोई होशियारी करने की कोशिश की, यू विल बी इन अ बिग 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 ट्रबल। यू अंडरस्टैंड दिस? समझ गया सर। इस किताब को आइंदा कभी छूना नहीं। Cheers. Cheers. What's your game, Richard? I don't know what you're talking about, Puri. You're sounding like some bloody detective. Fire is dangerous, Richard, unless you know its worth. क्या समझते हो तुम? हाँ? और क्या समझते हैं तुम्हारे लोग कि तुम लोग दुनिया में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बैंड बजाते रहोगे, हथियार ऐसे ही सप्लाई करते रहोगे, लोग मरते रहेंगे और तुम लोग मुनाफा कमाते रहोगे? You listen to me, Puri. You listen to me good. I am a responsible American citizen. I pay my taxes. I vote. I have a valid passport. You have a gun. Isn't it? We are too big for you, Puri. Too big. ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। हम जब चाहें तुम्हारा खेल समाप्त कर सकता। So do it. नहीं। You run a farce of an organization, an agency. तुम्हारा agency क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, शायद क्या सोचता भी है, मुझे सब पता है। और तुम्हारे मूवमेंट से यह लगता है कि तुम्हारा काम अभी शेष होने वाला है और मेरा भी काम शेष होने वाला है। अब से 48 घंटे में, just 48 hours, we will have done it. सर तुम्हारा क्या हुआ? जब तुम ही नहीं रहोगे तो यह आर्म्स डील, पैसा, बिजनेस, वी हैव डन इट, ये सब किस काम है? बेहतर होगा कि तुम अपने बारे सोचो, जैसे कि तुम ये होटल छोड़ करके कैसे जाओगे, महाबलीपुरम कैसे छोड़ोगे। I'll think about it and I'll get over with you. Are you crazy or something? तुम मुझे मारोगे? Okay, come on, shoot me. I don't have to shoot you. You are dying. तुम मर रहे हो। What rubbish! इस ड्रिंक में मैंने जहर मिला दिया है, चाइनीज पॉइजन। अब से 20 मिनट के अंदर अंदर तुम मर जाओगे रिचर्ड, यू विल डाई। उस जहर की एक और खासियत है, 6 घंटे के बाद बॉडी के अंदर जहर का कोई नामो निशान नहीं रहता। सो पोस्टमार्टम विल डिटरमाइन योर डेथ टू बी फ्रॉम अ नेचुरल कॉज, मे बी हार्ट अटैक। So let's begin the countdown. You're bluffing. Try and pick it up. Try. Try, try. It's a general neurotoxin. धीरे धीरे nerves पे असर करता है. Actually, you won't be even having your last dinner. You swine! You can't kill me like this. मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, Richard. You are a victim of your own choices. अब से 12 घंटे बाद पुलिस को तुम्हारी मौत के बारे में पता चलेगा. You filthy bastard! But don't worry, घबराओ मत. दर्द नहीं होगा, इट विल बी अ पेनलेस डेथ।
नवाज, आरडी इज नॉट रिचर्ड डोनर, आरडी इज रंजीत दुग्गल।